बेकदर बेकदर। मैं स्टेज पे दावा देना चाहूंगा हमारी ही यूनिवर्सिटी की एक और होनहार स्टूडेंट जिन्होंने मेरे साथ काउंसिल इलेक्शन में मुकाबला भी लड़ा। जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ जीत कर भी रहे हम तो हारे अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर हाँ बेकदर तू बेकदर। एक और लड़की है जिसकी पिक्चर मेरे पास है जिसे मैंने और अम्मी ने दोनों ने पसंद भी कर ली। तुम प्लीज एक दफा देख लो उसे। नहीं थैंक यू मुझे नहीं देखना। मारो प्लीज एक दफा देख। नहीं थैंक यू। मारो प्लीज एक दफा एक दफा देखो तो सही। नहीं कहा मुझे। ये तो मैं हूं। चले जाओ यहां से। दफा हो जाओ यहां से। मारो छोड़ो मुझे प्लीज। मारो मारो संभालो खुद को। तेरे का मारो मुझे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरे और मारुख के मामलात में मत बोलो समझे। जिस मारुख की तुम बात कर रहे हो ना वो अब मेरी बीवी है। और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तिश्नगी हमको मार गई। जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर। दर्द में काटी सारी उम्र। आज सरमत को सब सच बता दो। सरमत सच ये है कि मारुख तुम्हारे साथ खुश नहीं। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती इसीलिए इसने मुझे बोला कि मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे साथ रहना चाहती है। बोल तो सच बोलो अब बता दिया मैंने। तू बेकदर खाला मैं चलती हूँ। यासिर का काफी मूड खराब हो गया है। उन्हें तो मैं संभाल लूंगी मगर आप सरमत की अच्छी खासी क्लास लीजिएगा। इससे जल्दी बल नहीं गया। अब तुम्हें देखकर ना सरमत के आगे रोना डालेगी। तुम हाँ कैसी हो सवेरा? ठीक हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी की। हाय मुबारक। मैंने ना नीलम और इसकी फैमिली को दावत दी है। नीलम आओगी ना बेटा? जरूर आऊंगी खाला। इस घर की खुशियों और गमों से बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक है। मैं आऊंगी। अच्छा अब इजाजत दें। अच्छा मेरा बच्चा अपना ख्याल रखना और जरूर आना।
मैंने बुलाया इन्हें क्योंकि नीलम मेरी अकलौती भांजी है और मेरे सिवा इसका इस दुनिया में है ही कौन। और मैं तुम्हारी गलतियों की सजा इस उम्र में इसे और इसके बच्चों को नहीं दे सकती। आप यहां खड़े, वो वहां नीचे दंदनाती फिर रही है और आज तो वो यासिर को भी। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूं कि अम्मी को समझाएं, हम क्या हर रोज ये तमाशा देखते रहेंगे? क्यों आ जाते हैं वो लोग हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए? मारुख, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और अम्मी, उनको समझाता हूं तो उन पे कोई असर ही नहीं पड़ता, फिर उनसे कुछ कहूंगा तो फौरन ही नाराज हो जाएंगे। फरहान की शादी सर पर है और इस तरह नीलम का यूं अचानक आ जाना, मुझे तो डर लग रहा है अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि नीलम कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ करेगी तो एक बार फिर घर से निकाली जाएगी। फिलहाल अम्मी को करने तो जो वो करती है। यानी आंटी नीलम को इनवाइट करती रहे और हम खड़े तमाशा देखते रहे? मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि फरहान की शादी सुकून से निकल जाए, उसके बाद अम्मी के साथ खुल के इस टॉपिक पर बात कर लेंगे। मारुख, मेरी बात तो सुनो यार। मारुख, मैं तुमसे बार बार पूछ रहा था कि कहां जा रहे हो, कहां लेकर जा रहे हो, लेकिन तुमने नहीं बताया। क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे वहां ले जाने की? बताओ मुझे। मैं अगर आपको बताती तो क्या आप साथ चलते? और आप भी तो यही चाहते थे खाला मिल जाए, और देखे मैंने उन्हें ढूंढ निकाला। और वैसे आपका भी तो सामना हुआ मारुख से। नीलम, तुम आग से खेल रही। वो सब कुछ बहुत पहले मैं अपने सीने में दफन करके जी रहा हूं। मुझमें इंतकाम लेने की सकत नहीं बाकी है, और ना ही चाहता हूं कि तुम अब ऐसा करो। ऐसे शायद आप भूल चुके हैं कि हमारे एक होने का मकसद क्या था। हाँ, तुम ठीक कह रही, मगर शायद तुम भूल गई हो कि हमने तय किया था कि हम अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। क्या इतने अरसे बाद मारुख और सरमत को देखकर भी आप यही कहेंगे? आपके साथ मारुख ने क्या कुछ नहीं किया? मोहब्बत के दावे आपसे और शादी सरमत से, और फिर भी आप ये बात कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, सब याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूला हूं, वो दुख वो अजियत जो मारुख ने मुझे पहुंचाई, लेकिन अब डरता हूं कि तुम्हारी ये इंतकाम की आग कहीं हमारे बच्चों का ना झुलसा दे। तो ना करे यासे, ऐसा कभी हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ना ही मैं होने दूंगी। उम्मीद ही रमल, क्या कह रही है? यूनिवर्सिटी से तुम किस हालत में आई थी, क्या हुआ था तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी, वो बस स्टूडेंट्स ने शरारत की थी। जुनैद था ना, वही करता है तुम्हारे साथ ये हरकत। नहीं नहीं अम्मी, वो नहीं था, उससे तो मेरी दोस्ती हो गई। बुरे इंसान की फितरत बुरी ही होती है। प्लीज तुम थोड़ा ख्याल किया करो, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। और अब जब नीलम यहाँ आने लगी है। यहाँ क्यों आई थी? तुम्हारी दादी ने बुलाया था, उन्हें शौक है अपनी भांजी की दावतें करने का, हमेशा यही करती हैं वो। लेकिन इस बार नीलम ने कोई भी ऐसी गलती की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, आपको नहीं लगता कि पुराने सारे झगड़े फसादों को भुला देना चाहिए? मेरा मतलब है कि आपको और बाबा को इस तरह परेशान देखती हूँ, जब भी आप लोग नीलम आंटी के बारे में बात करते हैं तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तुम्हें तो याद ही, तुम्हारे लिए भूलना आसान होगा कि तुम पर, तुम्हारी माँ पर और मुझ पर क्या बीती है इन लोगों की वजह से।
अगर तुम्हें हकीकत का पता चल जाए तो तुम भी इनसे नफरत करोगी। नफरत क्या करेंगी इतनी नफरत का? अगर दादी दोनों फैमिलीज के बिगड़े हुए ताल्लुकात संवारना चाह रही है तो आप क्यों रुकावट बन गई है? क्या हो गया आपको? आपकी वजह से बाबा भी। बस करो रमन, चुप हो जाओ। ऐसी बातें कर रही हो, आइंदा मत करना। और याद रखो, अगर तुम नीलम से दूर रहोगी तो मेरे करीब रहोगी, वरना बहुत पछताओगी रमन, समझी तुम? रमल तुम्हें इस तरह। बस कर दो, मैंने भी वही बात की जो तुमने की, लेकिन अम्मी ने डांटा सिर्फ मुझे। ये कहती हैं कि मुझसे प्यार करती हैं। किस तरह से बात कर रही हो, तुम्हारी माँ है। बस कर दो, तुम मेरी माँ बनने की कोशिश नहीं करो। दिमाग का। अगर तुम्हें हकीकत का पता चल जाए ना तो तुम भी इनसे नफरत करोगी। नफरत। क्या हो रहा है ये सब? क्यों मेरा दिल उसके लिए इतना धड़क रहा है? काश तुम मेरी जिंदगी में आए ना होते तो आज मैं पूरी सच्चाई से अपनी माँ के साथ खड़ी होती। मगर अब क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों कॉल किया तुमने? अरे वाह, ना सलाम ना कुछ, भूल गई हो क्या? अब हम अच्छे दोस्त हैं। मुझे बताओ काम क्या है। वैसे आज उम्मीद जिस हालत में घर आई थी ना, मुझे तो बहुत हंसी है। बस पूछना ये था कि उसकी ये हालत उसके दोस्त ने की है या दुश्मन ने? मेरे ग्रुप के लड़कों ने शरारत की थी, लेकिन मैं उम्मीद से माफी मांगूंगा। अरे माफी क्यों, तुम क्यों माफी मांगोगे? देखो जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। पर उम्मीद दिल की बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम उसको बिल्कुल भी नहीं जानते। और तुम्हें पता है वो कब अच्छी बनके तुम्हें खुद से ही छीन लेगी, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। मुझे खबर हो चुकी है रमन। क्या क्या मतलब? फिलहाल मैं बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। अजीब इंसान है। मैं क्या कह रही थी और ये क्या कह रहे? खैर अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया। उम्मीद यकीनन ऐसी हरकतें करके मजलूम बनकर जुनेद को अपने जाल में फंसा रही है। मगर मैं जुनेद को उसका होने नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर। तुमसे शादी नहीं करूंगी, ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और जहां तक बात रही ना तुम्हारी फैमिली की, खौफ आता है मुझे उन लोगों से। बहुत हद तक यही वजह है कि मैं सबको यहाँ खत्म कर दूं। फरहान बेटा तुम ठीक हो? जी अम्मी मैं ठीक हूँ। आज वो दिन आ ही गया जब मैं चाहती थी कि तुम्हें दूल्हा बने देखूं। अम्मी आप खुश तो हैं ना इस सबसे? तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा सुनो, आज तुम्हारी माइयों है तो अपना मूड अच्छा रखना। मेरे बारे में जो कहना है कहो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। ये सब मैंने नहीं किया क्योंकि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं। उम्मीद ना ही यूनिवर्सिटी आ रही है, ना ही मेरा फोन उठा रही है, कैसे बात करूं अब उससे? जुनेद तुम्हें पता है ना आज खाला के यहां जाना है शादी में। अदील और बाबा भी जा रहे हैं। मामा कोई और दिन होता तो मैं चलता, मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे वहां जाना चाहिए। क्या मतलब नहीं जाना चाहिए? आपको पता तो है मैं ऐसी सोशल गैदरिंग से भागता हूँ। प्लीज आप लोग चले जाना। फिर तुम्हारे बहाने
मैंने खाला से वादा किया है कि हम सब जा रहे हैं, तो कोई बहाना नहीं चलेगा, आप जाएंगे, ठीक है? ओके। अब वहां कैसे सामना करूंगा उम्मीद की नजरों का? बैठो 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 बैठो। सरमन, उम्मीद कहाँ है? उम्मीद गिफ्ट भूल गई थी वो लेने के लिए, बस आती हो गई। और आपने अकेले भेज दिया, किसी के साथ ही भेज देते? आरोह, उम्मीद कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, और गाड़ी भेजी मैंने उसके साथ, बस आ रही होगी। तो फिर फोन करके पूछे ना, सब मेहमान आ गए, रस्म शुरू करनी है। अच्छा रिलैक्स, मैं कर रहा हूँ। सर प्लीज। सवेरा कहाँ चली गई? रसम तो शुरू करनी है ना। मारू बेटा, रसम शुरू करो। हाँ अम्मी, एक सेकेंड, उम्मीद जरा एक काम से गई हुई है, जैसी वो आती है रसम शुरू करते हैं। अरे इस वक्त कहाँ चली गई वो, उसे भी अभी जाना था, आ जाएगी। रसम तो शुरू करो तुम लोग, देर हो रही है भाई। मारू रसम शुरू करो बेटा। हाँ जब तक वो लाडली आएगी नी, यहाँ रसम कहाँ होगी। अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो, चलकर रसम कर लो ना। बस थोड़ी देर और। और कितनी देर करोगी, आ जाएगी उम्मीद, पर देर हो रही है ना, चलो। यकीनन आपने ही दावत दी होगी। हाँ तो मेरी भांजी है, अपने पोते की शादी पर दावत ना दूं तो और किसको दूं मैं? उसके सिवा मेरा है ही कौन, मेरी अपनी है वो। सद के जाऊं, माशाल्लाह मेरी बच्ची आ गई। अरे बड़ा अच्छा किया बेटा, बड़ा अच्छा किया, आ गई। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बच्चे कहाँ है? खाला आदिल गाड़ी पार्क कर रहा है और जुनैद को कहा है, टाइम मिला तो आ जाएगा। अच्छा से कहा है ना? जी जी कह दिया है, कोशिश करेगा। आखिर कब तक आंटी, ये जो आप कर रही है ना ये ठीक नहीं है। तुम होती कौन हो मुझे सही और गलत सिखाने वाली? मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करना चाहती हो? मैं आपसे मारूं? खामोश हो जाओ वरना ख्वामख्वा कोई तमाशा खड़ा हो जाएगा। प्लीज अरे चलो आओ मेरा बच्चों, आओ शाबाश आओ, अरे छोड़ो, आओ आओ आओ, आ बेटा आ जा। बहुत अच्छी लग रही हो रमा, तुम हर वक्त मेरी तारीफ करते रहते हो। क्योंकि जो अच्छा लगे उसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा भाई नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं, उसे इस तरह के इवेंट्स पसंद नहीं, शायद इसलिए वो नहीं आया।
लेकिन मामा ने उसे कहा है, देखें शायद वो आ जाए। अच्छा अब मैं एक सेकेंड आती हूँ। हाँ थी उम्मीद अम्मी वो फरहान के लिए गिफ्ट लेने गई थी अंदर से। अच्छा ले आई ना, चलो सब लोग वेट कर रहे रसम के लिए। आ जाओ जब, तुम तो कह रहे थे तुम्हें आना नहीं है। मामा की वजह से आए बाबा, अगर नहीं आता तो ये नाराज हो जाते। मुझे पता था मेरा बेटा जरूर आएगा। अच्छा आ जाओ नानी से मिलवाती हूँ। अम्मी ये जुनेद है, नीलम आंटी का बेटा, उम्मीद की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जुनेद? मैं भी आती हूँ। उम्मीद प्लीज यहां कोई तमाशा मत करना। मुझे तुमसे एक बार फिर सॉरी करना था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बोलो उम्मीद बेटा। वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जुनेद। कैसे हो तुम, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, अभी बस उम्मीद से आपके बारे में बात हो रही। अम्मी हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तुम उम्मीद को पहले से जानते हो? जी बाबा, मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो बस हाय हेलो।
तू और आजमा और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तिश्नगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी उम्र। शुक्र है माइयों की रस्में खैर खैरियत से हो गई। मैं बहुत खुश हूँ आज, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा हो गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। देखा, मैं कहती थी ना कि सबर का फल मीठा होता है। और सबसे बढ़के तो मुझे इस बात की खुशी है कि नीलम अपनी फैमिली के साथ आई और अब बारात में भी आएगी। अब नीलम और उसकी फैमिली हमारी खुशियों में शरीक नहीं होंगे। कैसे शरीक नहीं होंगे? और मेरी बात सुनो, कि जो तुम मुझे बार बार हुक्म देती हो ना, अपने आप में रहो, मेरी सास बनने की जरूरत नहीं है। पर सरमत, तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? समझाते क्यों नहीं अपनी बीवी को? ये तो खुशी के मौके पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अम्मी, मारुख ठीक बात कह रही है। आपसे मैंने हजार बार कहा कि आप नीलम का चैप्टर बंद क्यों नहीं कर देती, भुला दें उसे, मगर आप मेरी बात ही नहीं मानती। आप डिसाइड कर लें कि आपको अपना बेटा, उसकी बीवी और बच्चे अजीज हैं या फिर नीलम और उसकी फैमिली, बता दें आप आज। लो भाई, एक माँ से पूछते हो कि उसको कौन सी औलाद अजीज है। एक बात तुम दोनों सुनो, नीलम मेरे पोते की शादी पर आएगी और जरूर आएगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है उसे। अम्मी, आप क्यों जिद कर रहे हैं? जब भाई को नहीं पसंद की नीलम ना आए तो क्यों बुला रही है उसे? बस चुप करो, अभी तो तुम्हारी बेटी इनकी बहू नहीं बनी, तो अभी से तुम इनकी तरफदारियां कर रही हो। और अपनी माँ को सिखाने की जरूरत नहीं तुम्हें। और तुम दोनों भी मेरी बात गौर से सुनो, अगर नीलम ने शादी में शिरकत ना की तो मैं भी शादी में शिरकत नहीं करूंगी, समझे मेरी बात? और ले जाना अपनी बहन के घर बारात। ये क्या बचपन है, ये क्यों कर रही है? बस अब जो मैंने कहा ना वो मैं करके दिखाऊंगी। अम्मी, यासर, आपने मारुख और सरमत को देखा? हमें देखकर तो उनके चेहरों के रंग ही उड़ गए। आप क्या सोच रहे हैं? क्या तुम्हें पता था कि उमेद जुनेद की यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है? हाँ, क्यों? अपने बेटे पर नजर रखना, ऐसा ना हो कि कहीं बदला लेने के बजाय हमें बदला चुकाना पड़ जाए।
अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे नीलम बेटा, बड़ा अच्छा किया आ गए। कैसे हो बेटा, ठीक हो? आपने बुलाया तो कैसे ना आते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। आप कैसे हो? ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, और तुम लोग को देखकर तो बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा आओ ना, अंदर आओ, आजो 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 बेटा, आजो आजो। रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर, हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर, बेकदर हाँ बेकदर तू, बेकदर हाँ बेकदर, बेकदर हाँ बेकदर तू, बेकदर हाँ बेकदर। मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो मेरा, दोबारा अगर हाथ पकड़ा ना तो एक और थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। मार लो जितने थप्पड़ मारना, लेकिन मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। तुम हो ही इसी लायक, आखिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए गलतफहमी कब दूर होगी? पता नहीं मुझे, तो आखिर तुम ही बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं जैसे तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाए। तुम्हें मैंने कॉल्स की, मैसेजेस किए, मगर तुमने अब तक मेरी मोहब्बत तक का जवाब नहीं दिया। मुझे तुम्हें कोई जवाब क्या नहीं बात है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मतलब? तुम क्या हमारी यहाँ जासूसी कर रही हो? मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि उम्मीद के चक्रों में मत पड़ना। अब वैसे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तुम एक बात कहूं, ये जो तुम कर रही हो ना मत करो, क्योंकि तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जरूर तुम्हें उम्मीद नहीं भड़काया होगा मेरे खिलाफ। Because